पे तूफान आ रहा है। तो देखो अभी ये काफी ज्यादा भूखे हैं, इसके लिए मैंने इनको रोटी के टुकड़े दिए हैं। और पर कैसे काम करते हैं इन लोगों को, तो सैल्यूट है सही में, बहुत मेहनत वाला काम है ये। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं टेरेस पे आया हुआ हूँ और मैंने अभी अभी अपने कबूतरों को खोला है और मेरे पीछे आप देख सकते हो यूम बंधा हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद में हम लोग अंदर से बाकी बकरों को भी निकाल लेंगे। तो देखो अभी ये काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं, इसके लिए मैंने इनको रोटी के टुकड़े दिए हैं और मतलब रोटी चूर के दिए मैंने इनको। तो अभी ये लोग खा रहे हैं, ये हैं हमारे बच्चे, ठीक है ना, और वो हमारे बड़े कबूतर, वो वाइट वाले हैं हमारे नए वाले कबूतर। ठीक है, तो फिलहाल सभी खा रहे हैं, सभी खाने में बिजी है। और मैंने अपने इस बॉक्स का जो केज वाला बॉक्स था, यानी जो नेट वाला बॉक्स था, वो मैंने वहाँ पर रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से उसको मैंने शेड के नीचे डाल दिया है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ बच्चे रहते हैं। हमारा जो राजा का बेबी है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी भी वो बाहर नहीं आया है। ठीक है ना, जब बाहर आएगा तो हम लोग उसका नाम भी बता देंगे और वो बाहर आकर कैसा दिखता है वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, हल्की हल्की हवा चल रही है और ये है हमारा यूम, छाँव में बंधा हुआ है यूम अभी। और बस अभी थोड़ी देर के बाद यूम को हम डालेंगे उस तरफ, वहाँ पर बांध देंगे और सुल्तान पठान यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो और मारिया को मैं देने वाला हूँ बारीक वाले दाने क्योंकि इसका बेबी अभी अभी हैच हुआ है, इस वजह से इसको हम लोग बड़े मतलब गेहूँ वगैरह नहीं डाल सकते। ठीक है, और वो वाला पिजन देखो कैसे पानी पीता है, ऐसा लग रहा है नहाने वाला है, लेकिन वो उसका स्टाइल है, बहुत सारा पानी गिराएगा फिर वो पानी पिएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो गाइस हमारा चीकू का प्लांट कितना हरा भरा हो गया है माशाल्लाह। और देखो इस पे चीकू भी लग गए हैं, यहाँ पर देखो एक चीकू लगा है, वहाँ पर और एक चीकू लगा है छोटा सा, और यहाँ पर भी देखो चीकू है, और यहाँ पर सब जगह पर बहुत सारे फूल आए हुए हैं। ठीक है ना, तो फ्यूचर में इन सब पे चीकू लगने वाले हैं, ये सब नए पत्ते आ गए हैं। ये शायद वाटरमेलन लग गया है, इसकी बेल अभी स्टार्ट हुई आनी। ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, ये पपैया का प्लांट है। ठीक है ना, अभी गर्मी बहुत है इसीलिए इतनी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं ये। और ये हमारे खरबूजे की बेल, ठीक है, इस पर भी बहुत सारे फ्लावर्स आए थे, अभी भी देखो कितने सारे फूल हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो खरबूजे लग भी गए हैं छोटे छोटे से। तो देखो गाइस मम्मी आ गए हैं हमारे साथ, अभी हम अपने बकरों को खोलेंगे और हरी पत्ती खिलाएंगे। ठीक है, चलो तो इन लोगों को निकालते हैं और इनकी जगह पर बांध देते हैं ना। तो देखो हेलीकॉप्टर आया ऊपर और इसकी आवाज़ से हमारा राजा डर गया, राजा और रानी, वो गया हेलीकॉप्टर उधर। तो देखो सब कबूतर भी डर के उड़ने लगे, वहाँ पर देखो सारे कबूतर डर के उड़ गए। और सूरज देखो मोबाइल में कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी खाली ये 40 दिन की है, 40 दिन भी नहीं है। हाँ, तो ये लोग अभी नहीं है। हाँ, 40 दिन, 40 दिन के अंदर 2-3 दिन का मतलब बोलिए, एक दिन अपना कहीं जाओगे भी के बाद में चले जाओगे। तो अभी 40 दिन में बकरा ईद आ जाएगी, उसके बाद ये दोनों हमारे साथ नहीं रहेंगे। 40 दिन भी नहीं है ना, 40 दिन में भी कम हो गए हैं दिन, मतलब एक महीना पकड़ के चलो 36 डेज है, है ना। हमारे डेली व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीच में मेरी भी तबीयत डाउन हो गई थी और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और हम लोग क्या है, हम लोगों को इन बकरों के पीछे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, इस वजह से टेम्परेचर भी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और हम लोगों को बुखार चढ़ गया था, इस वजह से हम लोगों ने व्लॉग बनाया नहीं। और आज भी हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा खास अच्छी नहीं है, लेकिन व्लॉग ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए इसीलिए हम लोगों ने सोचा चलो व्लॉग बना लेते हैं। ठीक है ना, और बस अभी इस टावर का काम देखो, अभी ये 14th फ्लोर पे काम चल रहा है। ठीक है ना, बहुत फटाफट काम चल रहा है और बहुत धूप रहती है, गर्मी रहती है, उसमें भी ये लोग काम करते ही रहते हैं। ठीक है ना, धूप के अंदर ऊपर खड़े रहो, आपके काम करते रहो।
इंसान थोड़ी सी देर भी कौन खड़ा हो सका, आधी घंटा भी कौन खड़ा हो सका। हम लोग यहाँ पर फोर्थ फ्लोर पे भी ठीक से खड़े नहीं रह पाते, इतनी गर्मी रहती है। और ये लोग पता नहीं ऊपर कैसे काम करते हैं, इन लोगों को तो सैल्यूट है सही में, बहुत मेहनत वाला काम है ये। हालांकि कुछ काम इतना नहीं कर रहे हम लोग, तो भी इतनी ज़्यादा गर्मी है और बीच बीच में हवा चलती है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। रयान और अरसला ने वहाँ से अपना एक वीडियो भेजा है हम लोगों को सेंटा क्रूज से। तो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सो गाइस, ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है, जस्ट एन अपडेट कि किड्स क्या कर रहे हैं अपनी नानी के घर। ये है रयान, ये है अरसला, जैसे आप जानते हो इनको, इरफान भाई के ब्लॉग में आप देखते रहते हो। ये है आहिल और ये है आयशा, ये सब आए हुए अपनी नानी के घर। ये मेरे दोनों बहनों के बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है, ऐसे जैसे कि बहुत बारिश आ रही है। दे आर एंजॉयिंग वेरी वेल। कैसा लग रहा है आज का मौसम? बहुत अच्छा। सो व्हाट यू ऑल वाज डूइंग, आप लोग क्या कर रहे थे? मस्ती कर रहे थे। आई थिंक सो आप लोग ब्लॉग बना रहे थे जो बन नहीं पा रहा था, दैट्स व्हाई आई एंटर्ड। मैं एंटर हुई कि चलो मैं बना के देती हूँ, बिकॉज ये बाहर तो जाते नहीं है, इनडोर गेमिंग ज्यादा है ना? Yes. So, बोलो कुछ तो बोलो। चलो इरफान अब्बू को कुछ बताओ कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, बहुत। अरसलान को क्या लग रहा है? अरसलान तो मिस कर रहा है अपने यूम अजवा एंड द टेरेस है ना, और अपने सारे कबूतर को मिस कर रहा है, राइट अरसलान? ओके, सो आज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इतनी अच्छा मौसम है, बारिश है, सो वी शुड हैव समथिंग लाइक नाश्ता, जैसे पोहा एंड पास्ता। ओके गाइस, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट अपडेट आप लोग को दिया है कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, से अल्लाह हाफिज़। चलो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। तो फिर चलो गाइस, अब वक्त हो गया इस व्लॉग को एंड करने का, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।